सिविल लाइन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन आता है, कई बार इस प्रकार की चोरियां जब कोई यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो पता चलता है कि उसका सामान गायब है। इसमें कई अभी कुछ इस प्रकार की चोरियों की सूचना मिली थी। इसमें एक थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रफुल्ल श्रीवास्तव और उनकी जो टीम है पूरी और सीएसपी स्क्वाड ने मिलकर एक अच्छा खुलासा, एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें एक आरोपी जो मूल रूप से सीधी का निवासी और उसका नाम है तरुण गौतम, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, अमिलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको संदिग्ध अवस्था में प्लेटफार्म नंबर 4 के पकड़ा गया। और उससे जब पूछताछ हुई है तो उसने चलती हुई ट्रेन में कई चोरियां करना कबूल किया और उसने जो चोरियां की उनका पूरा माल बरामद हुआ है। इसमें चाहे वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो, बैग्स, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल्स, इस प्रकार के जो वैल्यूएबल आइटम्स रहते हैं उन सभी को पुलिस के द्वारा जब्त करने में सफलता मिली और लगभग 3 से 4 लाख के आसपास का सामान बरामद हुआ है। इनमें भी सभी फरियादियों से के बारे में जानकारी की जा रही है और जीआरपी और आरपीएफ से भी संपर्क किया जा रहा है कि ये जो चोरियां हैं ये कहां कहां से हुई थी, किन किन फरियादियों की जो ट्रेन से यात्रा करने के समय हुई है उनका भी पता लगा के फिर उनको ये दिया जाएगा। और आरोपी से और ये पूछताछ चल रही है कि इस ट्रैक पे जो जबलपुर की तरफ ट्रेन आती है, जबलपुर से जो ट्रेन जाती है, उन पे इस प्रकार के और कौन से ऐसे लड़के हैं और कौन से ऐसे चोर हैं जो इस प्रकार की वारदात में एक्टिव रहते हैं, और चाहे वो एसी कोच हो या नॉन एसी कोच हो, सभी में ये जो यात्री रहते हैं उनको टारगेट करते हैं और उसी से सामान लेके चुराते हैं। सर, ये कैसे चोरी करता था, अब तक कितनी चोरियां कर चुका है? अभी तक जो लगभग 4 चोरियों का माल इसमें बरामद हुआ है और चोरी चलती ट्रेन में करते थे और बीच में कोई भी स्टेशन पे या कहीं जब आउटर में ट्रेन खड़ी होती है उसी से अब उनका सामान लेके मतलब उतर जाते थे और उसके बाद वहां से चंपत हो जाते थे। जहर खुरानी कर रहे नहीं, इसमें जहर खुरानी वाली कोई बात नहीं है, केवल ये जब कोई यात्री सो गया या आराम कर रहा उस समय धीरे से उसका सामान पार कर लिया और उसके बाद जो भी नियरेस्ट ट्रेन कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन पर रुकती थी वहां से बाहर हो जाते थे। अकेले रहते थे, कोई और साथी? अभी एक पकड़ा गया है लेकिन इसका एक साथी और अभी इसके मिलने की चांस है और अभी और इससे पूछताछ की जा रही है कि इस प्रकार के और कई, क्योंकि ये जो लड़के हैं ये काफी गैंग्स के रूप में ऑपरेट करते हैं, समूह के रूप में रहते हैं और अलग अलग रूट्स पर जिस प्रकार ट्रेन चलती हैं इसी प्रकार चोरी करने वाले लोग भी अपने अपने रूट पर चलते हैं और विभिन्न ट्रेन में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।